अभी कुछ दिन से आप लोग लगातार सुन रहे होंगे कि राम मंदिर में टाइम कैप्सूल रखे जाने की बात की जा रही है उसके नीचे। तो हम लोग आज बात करेंगे कि आखिर ये होता क्या है, इसके प्रमुख बिंदु देख लेंगे और वैश्विक स्तर पर टाइम कैप्सूल के बारे में जानेंगे, यानी कि विश्व स्तर पर, वर्ल्ड स्तर पर। भारत में टाइम कैप्सूल के बारे में भी जानेंगे, कब यूज किया गया, टाइम कैप्सूल का महत्व क्यों होता है, इतनी बात की जा रही तो कुछ महत्व तो होता होगा इसका, उस पर भी बात करेंगे और टाइम कैप्सूल की आलोचना क्यों होती है उस पर भी बात करेंगे हम लोग। और आपका क्या मानना है आप भी नीचे लिख सकते हैं लास्ट में सब सुनने के बाद। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज यानी कि 5 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री भी गए हुए हैं, आपने देखा है कि भूमि पूजन है। और आज सोचिए आपके देश में दो घटनाएं मतलब घटी हुई थी आज। एक तो पहला आपका राम मंदिर बना है, दूसरा आपने देखा होगा कि 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई थी, जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया। समझ रहे, तो एक मतलब खुशी का माहौल वैसे भी है सभी के लिए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण स्थल पर जमीन के नीचे एक टाइम कैप्सूल या फिर काल पथ रखे जाने की खबरों को लेकर विभिन्न प्रकार के दावे पेश किए जा रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि एक टाइम कैप्सूल कोई टाइम मतलब आज रख देंगे तो हजारों साल तक रखा रहे, समझ रहे। यद्यपि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा टाइम कैप्सूल रखे जाने की बात का खंडन किया गया, परंतु ट्रस्ट के कुछ सदस्यों के अनुसार टाइम कैप्सूल रखा जा रहा है तथा यह भगवान राम और उनके जन्म स्थान के बारे में एक संदेश लेकर जाएगा और इसे हजारों वर्ष तक संरक्षित रखा जाएगा। याद रखिए इस टाइम कैप्सूल में ये सभी लिखा जाएगा कि राम भगवान का जन्म, उनके जन्म स्थान के बारे में। इससे इसलिए रखा जा रहा है कि आने वाले कई हजार साल बाद भी इस तरह का विवाद खड़ा ना हो। आप देख रहे हैं कितने दिनों से चलता आ रहा है विवाद, कितनी जाने गई वहां, तो इसलिए अब नहीं चाहते हैं कि आगे इस तरह का कोई विवाद खड़ा हो। इसलिए क्या किया गया कि एक टाइम कैप्सूल रख देंगे कि नीचे की मतलब मालूम रहेगा कि यहाँ राम मंदिर है, राम मंदिर है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, कोई विवाद खड़ा भी नहीं होगा। देखिए ये आपका 7 फिट 6 इंच का, ये आप देखेंगे कि मैसेज फाइंडर्स यानी कि मैसेज लिखा जाएगा कि मतलब ये हुआ है, इस समय बना हुआ है और ये है, समझ रहे, पूरी जानकारी राम के बारे में, भगवान के बारे में। टाइम कैप्सूल के बारे में अगर हम बात करें तो यह किसी भी आकार या फिर आकृति का एक कंटेनर होता है जिसमें वर्तमान समय के दस्तावेज, फोटो और कलाकृतियों को रखा जाता है तथा आने वाली पीढ़ियों की खोज के लिए इसे भूमिगत दफन किया जाता है। आप सोचिए कि आज हम लोग जो भी कर रहे हैं, आज से हजारों साल, 2000 साल, 15,000 साल बाद में हम लोग इस तरह से छोड़ जाए कोई कि आने वाली हमारी पीढ़ी उसे देखकर हमारे बारे में जानकारी इकट्ठा कर सके। समझ रहे हैं कि इस समय ऐसे मानव हुआ करते थे, इनके बारे में ये जानकारी हुआ करती थी, तो यही टाइम कैप्सूल यही काम करेगा कि आज भगवान के बारे में हम लोगों ने रख दिया, उनकी फोटो रख दी, उनके जन्म प्रमाण पत्र मतलब कि यहाँ बन रहे हैं मंदिर, यहाँ मंदिर है और यहाँ मतलब जन्म हुआ था उनका, पूरी जानकारी रख दी जाएगी। अब आने वाले हजारों साल, 500 साल अगर बाद भी कोई विवाद होता है इस तरह का खड़ा, तो उसे मतलब मालूम तो रहेगा कि यहाँ हमारे भगवान श्री राम का जन्मभूमि है, उनका मंदिर था। क्योंकि आप जानते हैं कि कभी भी कोई भी आता है क्षति पहुंचा देता है। पहले भी कहा जा रहा है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, आपने देखा सोमनाथ मंदिर गुजरात को कई बार ध्वस्त किया गया, उसे फिर भी खड़ा हो गया। तो कम से कम मालूम तो रहना चाहिए कि इस तरह का विवाद आगे खड़ा ना रहे, तो इसीलिए एक उपाय के रूप में इसे अपनाया जा रहा है। टाइम कैप्सूल के निर्माण के लिए विशेष इंजीनियरिंग की आवश्यकता होती है ताकि लंबी समयावधि के बाद भी कैप्सूल में रखी गई सामग्री क्षय यानी कि नष्ट ना हो। कैप्सूल के निर्माण के लिए एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील जैसी सामग्रियां तथा अम्लता रहित पेपरों का प्रयोग किया जाता है इसमें। वैश्विक स्तर यानी कि विश्व के स्तर पर हम लोग टाइम कैप्सूल की बात करें तो यह भी टाइम कैप्सूल शब्द का प्रयोग 20वीं शताब्दी से प्रयुक्त किए जाने लगा, परंतु इसका प्रारंभिक उदाहरण वर्ष 1777
का है जिसे दिसंबर 2017 में पुनर्बहाली कार के दौरान स्पेन के चर्च से प्राप्त किया था। आप समझिए कि अब 1777 की बात है, और जिसे दिसंबर 2007 में पुनर्बहाली के कार के दौरान स्पेन की एक चर्च से प्राप्त किया था। नियोजित टाइम कैप्सूल का प्रारंभ वर्ष 1876 से माना जाता है, जब न्यूयॉर्क पत्रिका के प्रकाशक द्वारा फिलाडेल्फिया में सेंचुरी सेफ नाम से टाइम कैप्सूल को दफन यानी कि वहां रखा गया। इंटरनेशनल टाइम कैप्सूल सोसाइटी, जो दुनिया में टाइम कैप्सूल की संख्या का अनुमान लगाती रहती है, के अनुसार संपूर्ण विश्व में अभी भी आपके 10,000 से 15,000 टाइम कैप्सूल हैं। कितने? 10,000 से 15,000 टाइम कैप्सूल अभी भी मतलब इस तरह के दफन है नीचे, समझ रहे? अगर भारत की बात की जाए अगर कि टाइम कैप्सूल की, तो लाल किला। भारत में टाइम कैप्सूल के कई प्रमुख उदाहरण देखने को मिले हमें। एक टाइम कैप्सूल लाल किले के बाहर वर्ष 1972 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा भूमिगत रखा गया था, जिसको लेकर सरकार और अन्य पार्टियों के बीच काफी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था, और जनता पार्टी की सरकार द्वारा इसे खोदकर निकाल भी लिया गया था। आप समझ रहे हैं, आज पहली बार नहीं हो रहा है ऐसा। इंदिरा गांधी के समय में लाल किले में भी इस तरह का वहीं आसपास रखा गया था। आईआईटी कानपुर 6 मार्च 2010 को राष्ट्रपति विभा पाटिल द्वारा आईआईटी कानपुर के कैंपस में टाइम कैप्सूल दफन किया गया। इसमें संस्थान का एक हवाई नक्शा, वार्षिक रिपोर्ट, हॉस्टल मैस का मेनू जैसे कुछ सामग्रियां भी रखी गई थी। याद रखिए, विभा पाटिल हमारे राष्ट्र की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं, ठीक है। अन्य अगर टाइम कैप्सूल की बात करें तो मुंबई के स्कूल में, जलंधर में लवली पब्लिक यूनिवर्सिटी में, गांधीनगर के महात्मा गांधी मंदिर आदि में भी टाइम कैप्सूल दफन किए गए हैं, समझ रहे हैं? सब इन्हें याद रखिए, पॉइंट अगर मेंस में लिखने को आता है तो आप डाल सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि टाइम कैप्सूल का महत्व क्या है। आखिर टाइम कैप्सूल का उपयोग भविष्य की पीढ़ियों के साथ संचार स्थापित करने की एक विधि के रूप में किया जाता है। टाइम कैप्सूल भविष्य के पुरातत्वविदों, मानव विज्ञानी या फिर इतिहासकारों को अतीत की मानव सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करती है। आप सोचिए कि आज से हम लोग हजारों साल पहले, आपने देखा है कि अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, आप देखेंगे कि चाणक्य, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, आप समझ रहे हैं, मतलब इनके बारे में हमें जानकारी कैसे प्राप्त हुई। मतलब हम लोगों ने या तो पत्रों से प्राप्त की, या हड़प्पा सभ्यता में देखते हैं पत्रों से प्राप्त की। उसके बाद चाणक्य के समय आइए आप लोग, तो चाणक्य ने कुछ अर्थशास्त्र मतलब एक बुक्स लिखी थी, समझ रहे हैं? तो उसकी जो भी कृति थी, हम लोग रचनाएं थी, उन्हीं को अगर हमें मिल गई तो उन्हीं से हम लोगों ने इस तरह की जानकारी इकट्ठी कर ली। अब हजार साल पहले की बात, हजारों 2000 साल पहले की बात है। आज से हो सकता है कि 2-4 साल, 2000 या 3000 साल बाद इस तरह के कुछ जरूरी हो, तो इस तरह की आप टाइम कैप्सूल मिलेगा तो कम से कम रहेगा तो उसमें जानकारी रहेगी सब। और जो भी इतिहासकार आएंगे, पुरातत्वविद होंगे, वो जब भी खोद कर निकालेंगे जानकारी मिल जाएगी, समझ रहे? और एक तरह से अब विवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने देखा है कि किस तरह से सालों से आपका न्यायालय में चल रहा है, कोर्ट में ये केस चल रहा था राम मंदिर का। तो अब कभी इस पर विवाद ना खड़ा हो, एक इसका ये भी महत्व हो सकता है। आखिर टाइम कैप्सूल की आलोचना क्यों की जा रही है लोगों के द्वारा? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह अनिवार्य रूप से एक व्यक्तिपरक अभ्यास है, जिसे वर्तमान में महिमा मंडन के रूप में पेश किया जा रहा है। टाइम कैप्सूल में पर्याप्त जानकारी का अभाव होता है। कई स्थानों से प्राप्त टाइम कैप्सूल में उस समय के लोगों के बारे में बहुत कम जानकारी प्राप्त हुई है। इनका कहने का मतलब है कि अभी जो चल रहा है सब महिमा मंडल करने के लिए, और बाद के आने वाले दिनों में इस तरह की महिमा मंडल को दिखाने के लिए इस तरह का काम किया जा रहा है। टाइम कैप्सूल इतिहास को दर्शाने की का एक मान्य तरीका नहीं है। टाइम कैप्सूल में रखे जाने वाले दस्तावेजों का प्रमाणन नहीं किया जाता। अब टाइम कैप्सूल में प्रदान की जाने वाली जानकारी को अन्य स्रोतों के साथ सत्यापित किया जाना चाहिए। याद रखिए, आप कुछ भी सोचिए, मतलब देखिए जो भी है, हर मतलब पहलू होता है तो उसके दो नकारात्मक मतलब नकारात्मक सकारात्मक पहलू होते हैं। वही सिक्के जैसा हाल है कि एक सिक्का है तो उसका दो
एक पट एक चित्त होता है, मतलब दो पहलू होते हैं। तो यही रहता है, कुछ लोग इसकी आलोचना करते हैं, कुछ इसकी अच्छाई बताते हैं। हर चीज की वो तो हमारे देश में नहीं, विश्व में भी चलता है। आप सोचिए कि कोई काम हो रहा है तो उसके फायदे भी होंगे, नुकसान भी होंगे। तो आपको भी बताइए कि क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं इसके।